अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं एक भरीसर रात रेणु की एक लाजवाब कहानी जिसका नाम है लाल पान की बेगम। जो केवल वो कहानी ही नहीं है, एक नारी समाज का स्वाभिमान है, आकांक्षा है, अपेक्षा है, जो एक बलरामपुर में नाच देखने की कथा का इसमें वर्णन है। लाल पान की बेगम एक प्रकार से ये प्रतीक नाम है इस कहानी का, जो इसकी मुख्य पात्र नायिका है उसका इसमें लाल पान की बेगम कहा गया है। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं लाल पान की बेगम कहानी, और जो फणीश्वर रात रेणु जी की है, जो एक महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण परिवेश में नारियों के अपेक्षा आकांक्षाओं की बात करती है। ये कहानी UGC नेट और हायर दोनों में लगी हुई है, ठीक है, UPSC में और UGC नेट दोनों में लगी हुई है। तो हम चलिए देखते हैं लाल पान की बेगम और फणीश्वर रात रेणु। लेकिन सबसे पहले हम फणीश्वर रात रेणु के बारे में, जैसा कि हमारी एक प्रथा रही है कि हम लेखक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद कहानी या कथा जो भी उपन्यास रहता है उस पर प्रवेश करते हैं। तो हम सबसे पहले रेणु जी के बारे में देखते हैं, ठीक है, आइए चलते हैं अध्ययन की तरफ। तो सबसे पहले ये रेणु जी का हम अध्ययन करेंगे, और रेणु जी का जन्म से ही प्रारंभ होता है किसी का अध्ययन परिचय। तो इनका जन्म जो है वो 4 मार्च 1921 को हुआ था, ठीक है, 4 मार्च 1921 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जो जन्म स्थान है ना, जन्म स्थान वो है बिहार के पूर्णिया जिला, बिहार का पूर्णिया जिला। ठीक, जन्म स्थान कहाँ है? बिहार का पूर्णिया जिला, और गांव का नाम भी लिख सकते हैं हिंगना, और आही हिंगना उसका नाम है अगर चाहें तो, नहीं तो बाद में बोलेंगे गुरुजी बताए नहीं, और आही हिंगना गांव का नाम है ये, ठीक है। तो जन्म स्थान इनका बिहार पूर्णिया जिले के औराही हिंगना में, और होता है 4 मार्च 1921 को। आगे इनका निधन भी इसी समय देख लेते हैं, ठीक है। तो निधन जो है इनका 11 अप्रैल 1977 को होता है, 11 अप्रैल 1977, ठीक, 11 अप्रैल 1977 को होता है। ये जो रेणु जी हैं, ये आंचलिक जो उपन्यास है महिला आंचल, जो एक मतलब मील का पत्थर है, तो ये महिला आंचल आंचलिक उपन्यास है, आंचलिकता के लिए ही उसकी श्रेष्ठता है। तो ये आंचलिक उपन्यासों के या आंचलिकता कथा के प्रवर्तक हैं, इन्हीं से सबसे पहले हम श्रेष्ठ रूप से आंचलिकता इनकी रचनाओं में पाते हैं। तो ऐसे लिखिए, विशेष रूप से ही लिख लीजिए विशेष में कि पहली बात क्या है विशेष रूप में कि आंचलिक कथा के प्रवर्तक, ठीक, ये क्या है, आंचलिक कथा के प्रवर्तक है, मतलब इन्हीं से रचनाओं से सबसे पहले श्रेष्ठ रूप से आंचलिकता हमें रचनाओं में मिलने लगती है, और महिला आंचल जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं, इसको इतना ध्यान दिया होगा आपने कि जन्म इनका 4 मार्च 1921 में हुआ था, जन्म स्थान बिहार का पूर्णिया जिला औराही हिंगना है, निधन 11 अप्रैल 1977 है, और उसके बाद हम विशेष देखेंगे इसमें जो कई और बातें भी आगे देखनी कि आंचलिक कथा के ये प्रवर्तक हैं, ठीक।
आंचलिक कथा के प्रवर्तक हैं। उसके बाद हम विशेष में और देखते हैं दूसरे नंबर पे, ये इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद, इनका उपनाम क्या है, तो इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक, आज़ादी के बाद का प्रेमचंद। ठीक, तो आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है क्योंकि जो प्रेमचंद जी थे उनका निधन 1936 में हो जाता है और इनका जन्म 1921 में हुआ था, तो वो आज़ादी के पहले थे, तो आज़ादी के बाद इनकी रचना शैली रही है, रचना काल रहा है, तो इनका आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है। आगे हम क्या देख लें, आगे ये देखना है कि जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे, ये जेपी आंदोलन के बारे में जानते हैं, जयप्रकाश का आंदोलन बहुत प्रसिद्ध था जिसके प्रभाव से एक समय ऐसा आया कि सरकार को जो है इमरजेंसी लगानी पड़ी। जेपी आंदोलन में सक्रिय, ठीक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका रही। राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भी राष्ट्र से संबंधित होती है तो जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे, एक तो बात ये हो गई। एक और हमें जानना ये है कि जेपी आंदोलन और सत्ता के दमन के विरोध में जब ये खड़े हुए, तो जब सत्ता का परिवर्तन होता है तब इन्हें एक पद्मश्री सम्मान दिया जाता है, तो इनके लिए लिखना है कि इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया, पद्मश्री सम्मान, अलंकरण है ये, सम्मान से सम्मानित। ठीक, और हमें ये देखना है 1942 के जो भारतीय स्वाधीनता का आंदोलन था उसमें भी सक्रिय रहे, तो 1942 के स्वाधीनता आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय। ठीक है, जो 1942 का स्वाधीनता आंदोलन था उसमें भी ये सक्रिय रहे हैं। ये तो हो गई इनके बारे में विशेष बात। ये जो इनके संपूर्ण रचना है, जितनी सारी रचनाएं हैं उपन्यास कहानी में, इन सबको मिला के रेणु ग्रंथावली के नाम से छापा गया है और उसके 5 खंड किए गए, तो ये एक सामान्य बात है, इसको कोई हम आपको इसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनके बारे में कुछ विशेष तत्व। अब हम इनके महत्वपूर्ण रचना में, रचनाओं में कहानी संग्रह देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग, उसके बाद हम देखते हैं लाल पान की बेगम, या कहे तो वो भी देख लें, क्या कहते हैं, कहानियां भी महत्वपूर्ण देखते हैं। फिलहाल संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम इनके अब देखते हैं कहानी संग्रह। देखो, इनकी हमें ना क्रम से हम 3 कहानियां देखेंगे, अभी तो हम 2 ही देखेंगे। अभी कौन कौन सी देखेंगे, अभी हम देखेंगे एक तो लाल पान की बेगम है, ठीक, इनकी हम 3 कहानियां देखेंगे, एक लाल पान की बेगम, ठीक, और एक हम देखेंगे इसके बाद रसप्रिया, रसप्रिया भी हायर में लगी है, ठीक, और हम तीसरी कहानी इनके देखेंगे, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठीक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो इनकी ये दोनों, ये UGC नेट में भी लगी है और हायर में भी लगी है, ठीक, ये हायर में लगी है और ये भी UGC नेट और हायर में लगी है, ये केवल UGC नेट में लगी है। तो ये अभी UGC नेट और हायर का देखेंगे, बाद में एक कहानी तीसरी कसम अलग से हम करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम ये 2 ये कहानी आज देख रहे हैं, उसके बाद ये कहानी आएगी, उसके बाद इसको हम बाद में अपलोड करेंगे।
चलिए तो हम इनके अब कहानी संग्रह को देखते हैं। कहानी संग्रह, तो रेणु की जो कहानी संग्रह है उसमें पहले नंबर पे आता है ठुमरी। ठीक, ठुमरी, ठुमरी 1958 में आई। कब आई? 1958 में। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे आदिम रात्रि की महक। आदिम रात्रि की महक ये 1967 में आई। कब? 1967 में। तीसरे नंबर पे इनका है अग्निखोर, अग्निखोर। और अग्निखोर जो आई वो आई 1973 में। ठीक है, ठुमरी 1958 में आई, आदिम रात्रि की महक 1967 में आई, और उसके बाद अग्निखोर आई 1973 में। अब हम एक देख लेते हैं, इनकी आई है एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में। एक, ये इनके निधन के बाद आया एक संग्रह है, एक श्रावणी दोपहर की धूप, एक श्रावणी दोपहर की धूप। ठीक है, और ये आई 1984 में। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं एक और बच रही, कहां देख लें, यहां लिख दे रहे हैं, चार हो गए, पांचवा यहां, अच्छे आदमी, अच्छे आदमी, और ये आई 1986 में। ठीक, तो इनकी पांच ये कहानी संग्रह हैं। ठुमरी इसी में रसप्रिया संकलित है। ठीक है, 1958 में आया, आदिम रात्रि की महक 1967 में है, अग्निखोर 1973 में, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 में है, अच्छे आदमी 1986 में है। ठीक है, लिख लिया आपने। तो इसमें जो कहानियां है ना, ठुमरी ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें नौ कहानियां हैं। ठीक, कितनी कहानियां हैं? नौ कहानियां। रुकिए, मैं ठुमरी को थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये हो गया ना, ठुमरी 1958 में आया, इनका कहानी संग्रह है पहला, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी। इनका पहला कहानी संग्रह ठुमरी है जो 1958 में आया, वो अंतिम कहानी संग्रह अच्छे आदमी है। तो जो ये एक श्रावणी दोपहर की धूप है, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, ये दोनों जो है इनके निधन के बाद आया हुआ संग्रह है। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसके बारे में, ठुमरी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखो इसमें जो नौ कहानियां हैं ना, नौ कहानियां नहीं, लेकिन इसमें हम केवल तीन कहानियां देखेंगे। पहली इनकी है जो हम देखने जा रहे हैं, वो लाल पान की, लाल पान की बेगम है। तो इसमें लाल पान की बेगम हो गया एक कहानी, ये यूजीसी नेट और हायर दोनों में लगी है। दूसरा रसप्रिया है, रसप्रिया का जो मृदंगिया है पचकौड़ी, तो रसप्रिया जो है ये भी ये तो UPSC में लगा हुआ है। और उसके बाद इसमें कहानी कौन सी है, तीसरी कसम। ठीक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, वो जो नायक रहता है उसमें नाच वाली बात रहती है जिसको ढो के ले जाता है, तो इसको हम देखेंगे बहुत गहनता से। तीसरी कसम एक ये हो गई, और उसके बाद हम सातों ना देख लें, नौ कहानियां हैं इसमें। ठीक, तो रसप्रिया हो गई, उसके बाद इसमें नौ कहानियों में तीन, एक तीसरी, चौथी तो हो गई ठेस। ठीक, और पांचवी कहानी हो गई
तीर्थोदक, ठीक, तीर्थोदक। और उसके बाद एक कहानी इनकी और है, पंचलाइट, पंच लाइट, ठीक, पंचलाइट के बाद उसके बाद अगला कौन हो गया, सिर पंचमी का शगुन, ठीक, सिर पंचमी का शगुन, ठीक है। और उसके बाद आठवें नंबर पे हम देख सकते हैं इनकी एक कहानी है, तीन बिंदियां, ठीक, तीन बिंदियां, तीन बिंदियां, सात आठ, एक छूट रहा है कोई, हाँ, नित्य लीला, नित्य लीला। तो ये इनकी ठुमरी में संकलित कहानियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी, लाल पान की बेगम हो गई, लाल पान की बेगम, रसप्रिया और तीसरी कसम, ये तीनों तो लगी हुई हैं, ठीक है। रसप्रिया, ये तीनों लगी हुई है किसमें, सिलेबस में। कौन कौन, लाल पान की बेगम मतलब यूजीसी नेट और हायर में लगा है, ये केवल हायर में लगा है, तीसरी कसम जो है यूजीसी नेट में लगा हुआ है। ये ठेस भी है, तीर्थोदक है, पंचलाइट है, सिर पंचमी का शगुन है, तीन बिंदियां है और नित्य लीला, ये सभी कहानी संग्रह हैं ठुमरी के, ठुमरी कहानी संग्रह की नौ कहानियां, ठीक है, इसमें नौ कहानियां हैं जिसको मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये नौ कहानियां इसमें हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं लाल पान की बेगम, इसके बारे में हो गया जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे लाल पान की बेगम। तो हम देख रहे हैं कहानी लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम प्रायः ताश का एक पत्ता है, ताश खेलते होंगे या जानते होंगे, खेलते नहीं होंगे तो उसमें एक लाल पान जो होता है उसी का, या पान भी बोलते हैं, तो उसी की एक बेगम होती, से क्यू से लिखा होता, क्वीन। मैं भी तो ताश के बारे में बहुत जानकारी नहीं है तो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ उसमें क्वीन है तो उसी को बेगम बोलते हैं, ठीक है। तो उसी, वो बहुत रूल है अपनी रॉयल्टी के लिए, इसीलिए लाल पान की बेगम कहा जाता है, ठीक है। उसकी जो रॉयल्टी है वो बहुत फेमस है। तो हो गई बात लाल पान के बेगम की। अच्छा चलिए, अब इसका अध्ययन हम करते हैं। जो इसका प्रकाशन वर्ष है ना, प्रकाशन वर्ष तो वो है 1956, ठीक। संग्रह क्या है, तो ये संग्रह कौन से में है, ठुमरी में है। और ठुमरी कब आया, ठुमरी 1958 में आया, 58 में संग्रहित है, ठीक, संग्रहित। ये तो हो गई बात इसके संग्रह की और प्रकाशन वर्ष की। लेखक, लेखक तो खैर औपचारिकता ही है, अब जब इतनी चर्चाएं हो गई लेकिन लिखवा ही देता हूँ, लेखक में रेणु जी हैं, ठीक, फणीश्वरनाथ रेणु। और ये कहानी क्या होता है, जब 1956 में प्रकाशन हुई रहती, उसके बाद इस कहानी का बाद में प्रकाशन 1957 में, ठीक, पत्रिका प्रकाशन लिखिए, पत्रिका प्रकाशन। तो एक पत्रिका होती थी कहानी, कहानी में 1957 में प्रकाशित,
पहले ऐसे प्रकाशित हुई, फिर ये कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहानी पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी, प्रयागराज से, तो 1957 में कहानी पत्रिका में ये पुनः एक प्रकार से कह सकते हैं प्रकाशित हुई। बाद में फिर ये 1958 जब में ठुमरी इनका संग्रह आया तो ठुमरी में भी ये संग्रहित हो गई। तो इस तरह से इसके बारे में एक सामान्य जानकारी है, ठीक है। और इसके बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, इसमें आंचलिकता भी थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा। इसमें जो प्रति परिकथा की परिकल्पना है वो भी इस कहानी में दिखता है। जो कहने का मतलब, गांव में कहते नहीं कि वो जो सर्वे ऑफ लैंड होता है उसके लिए एक शब्द होता है, मैं अभी थोड़ी देर में याद आएगा बताता हूँ, चकबंदी। चकबंदी तो चकबंदी से जो है इसमें चकबंदी की चर्चा है, सर्वे ऑफ लैंड की। तो ये बहुत बढ़िया कहानी है, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कहते नहीं वो जो बहुत गांव में या समाज में देखते हैं औरतें बहुत तेज होती है, वो सब अपने घर का काम कर लेती हैं, और वो अपने घर के चकबंदी का काम हो, घर का बाहर का सब उन्हीं के मैनेजमेंट में होता, तो उस तरह की ये नायिका है। तो हम उसे समाज में एक प्रकार से बहुत लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन हम जब नारी सशक्तिकरण के रूप में आते तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ है कि हम ऐसी नारियों को समाज में पाते हैं जो अपने सशक्तिकरण के साथ अपने कार्यों को कर लेती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकाशन वर्ष 1956 में आया, संग्रह ठुमरी है 1958 में संग्रहित, लेखक रेणु हैं, और पत्रिका के रूप में प्रकाशन इसका कहानी में हुआ 1957 में। ये कहानी पत्रिका इलाहाबाद से ही प्रकाशित होती थी, ठीक है। आइए हम अब चलते हैं लाल पान की बेगम के, सबसे पहले हम पात्र देखते हैं, ठीक। पात्र क्या है, तो हम सबसे पहले देखेंगे अब पात्र। तो पात्र देखने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि जो बिरजू की माँ है, वो नाम तो उसका नहीं है, लेकिन बिरजू की माँ के नाम से वो जानी जाती है, लेकिन वही केंद्र पात्र है इसकी, इस कहानी की। तो बिरजू की माँ, ठीक, ये इसकी मुख्य पात्र है, केंद्रीय पात्र है। और केंद्रीय पात्र के साथ साथ ये अपने ही दबंग रूप के कारण जानी जाती है, ठीक। जंगी की जो बहू रहती है वो भी इससे डरती है, कतराती है बोलने से, जबकि वो बहुत लड़ाका प्रवृत्ति की रहती है। तो एक प्रकार से केंद्रीय स्त्री पात्र ये ऐसे लिखिए कि कहानी की नायिका, कहानी की नायिका और दबंग, दबंग स्त्री पात्र, ठीक। दबंग स्त्री पात्र, कहानी की नायिका, सशक्त महिला, सशक्त महिला व लाल पान के बेगम की प्रतीक, ठीक। लाल पान के बेगम की प्रतीक, किसकी प्रतीक है, तो लाल पान के बेगम की प्रतीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पे बिरजू के पिता। तो जो बिरजू का बप्पा रहता है, बप्पा बोलता है, बिरजू का पिता, बिरजू का पिता एक प्रकार से घर का दब्बू इंसान के रूप में इनका चित्रण है, ठीक है। और मेहनती बहुत है और अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण भी करना चाहता है। तो दब्बू इंसान नहीं, दब्बू पति के रूप में वर्णन है इसका, चित्रण है।
और मेहनती इंसान वह अपने पत्नी की इच्छाओं को आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला वह अपने पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। तो बिरजू जो है, बिरजू का पिता तो दब्बूपति के रूप में वर्णन है, मेहनती इंसान वह अपने पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। ठीक है, आज के युग में जो पत्नियां होती हैं ऐसे ही पति की अपेक्षा करती हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं बिरजू पात्र। ठीक, ये दो हो गया बिरजू की माँ, कहानी की नायिका है, दबंग है, स्त्री पात्र है, सशक्त महिला है और लाल पान के बेगम की प्रतीक है। बिरजू का पिता दब्बूपत के रूप में वर्णन है, मेहनती इंसान व अपने पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, कोई अगर बात मजाक में कही जाए तो उसे अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बोला कि आज ऐसे पत्नियां चाहती तो इसका मतलब अन्यथा लेने की जरूरत नहीं, यही हंसी और छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण पात्र इसका, बिरजू। बिरजू के पास आपको मजा आ जाएगा। बिरजू का ऐसा पात्र है कि कोई बात होती तो उसको पीट देती है बिरजू की माँ, जैसे भी होगा बस सबसे पहले पिटाई। जैसे बच्चे, छोटे बच्चों के गांव में या घर में आप देखेंगे अक्सर, ये तो परिदृश्य गांव का ही है, देखने को मिलता है, शहर वहर में पता नहीं चलता बंद कमरे में क्या हो रहा है। तो बिरजू को पीट देती है तो पड़ा है रो रहा ही कर रहा है। फिर उसको थोड़ी बार जब चंपिया गुड़ लेके आती है तो गुड़ मांगने पहुँच जाता है। शकरकंदी जो है, शकरकंदी मतलब गंजी बोलते हैं हमारे यहाँ अवधि में, और शकरकंदी होता है आलू की तरह, तो वो मीठा होता है, आप जानते भी होंगे। तो वो छील रहे होते हैं मीठी पूड़ी बनाने के लिए, तो क्या होता, मांगता है अम्मा छिलवा दें अम्मा, मतलब उसको उसी तरह मारने पीटने के बाद अम्मा इसको छिलवा दें। तो चंपिया बोलती है कि ये जितना छिलेंगे, अपना खुद बोलती है माँ कि जितना छिलेंगे उससे ज़्यादा तो गटक जाएगा, तो वो उसको छोड़ देता है। फिर वो खड़ा रहता है, फिर उसको चंपिया चुपके से फेंकती और भाग जाता है। बहुत अच्छा, एकदम मतलब बाल मनोविज्ञान का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है यहाँ, रेणु जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो जो बिरजू है या कहानी का एक बाल पात्र है, ठीक, कहानी का बाल पात्र है। उसके बाद ये खुश भी बहुत हो जाता है जब इसको मेला जाने का मिलता है, कहानी का बाल पात्र है। ठीक है, और माँ के गुस्सा होने पर इसकी पिटाई भी खूब होती है। ठीक है, तो माँ के गुस्सा होने पर गुस्सा का शिकार होता है, ऐसे लिखिए, या क्रोध का शिकार। और एक बात ये भी लिखनी कि इसकी आयु जो है 7 वर्ष है। कहानी में आयु कितनी है, 7 वर्ष। अब हम देखते हैं एक पात्र, चंपिया। चंपिया बिरजू की बहन है। ठीक, चंपिया क्या है, तो ये चंपिया बिरजू की बड़ी बहन है। ठीक है, और ये माँ का हाथ बटाती है, संगीत की शौकीन है। तो ऐसे लिखिए कि बिरजू की बड़ी बहन घर माँ का, घर में माँ का हाथ बटाती है। वह बाइस्कोप संगीत की शौकीन है, मतलब गाने बजाने की शौकीन रहती है। तो संगीत की शौकीन है, ठीक है ना।
बिरजू की बड़ी बहन है, घर में माँ का हाथ बटाती है और संगीत की शौकीन है। एक बार और लिख सकते हैं, इसकी आयु यहाँ 10 वर्ष है, ठीक, आयु 10 वर्ष है इसकी। ये जब मतलब इस पे भी क्रोध बहुत करती है वो, कि जब गुड़ लाने पर कहानी के शुरू में ही जब ये गुड़ लाने इसलिए भेजती है, सहुआइन इसको देने में विलंब करती है, तो जो बिरजू की माँ रहती है, चूंकि वो बिल्कुल गुस्साई हुई है, तिलमिलाई हुई है कि उसको जो बिरजू के पिता हैं उसको मेला ले जाने के लिए तैयार अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, और इस तरह से वो मतलब गुस्सा सब पे उतारती है, बिरजू को भी हर बात पे पीट देती है, चंपिया पे भी गुस्सा उतारती है। तो वही एक दबंग और सशक्त महिला के रूप में इसका चित्रण है। जो है जो फूफ इसके बुआ रहती हैं वो, उनको भी मतलब गुस्से में जवाब दे देती है तो उनको भी बुरा मान जाती हैं। तो एक जो है आइए वो भी बहुत अच्छी पात्र हैं, ये भी देखना होगा, मखनी बुआ उनका नाम रहता है। तो अगले हम पेज पे देखते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया बिरजू बड़ी चंपिया, बिरजू की बड़ी बहन है, घर में माँ का हाथ बटाती है, संगीत की शौकीन है, आयु 10 वर्ष है, और कहानी का बाल पात्र है, माँ के गुस्सा का शिकार होता है, आयु 10 वर्ष है, ठीक है। आयु 7 वर्ष बिरजू का है, 10 वर्ष चंपिया का। चलिए अब हम अगला पात्र देखते हैं, मखनी बुआ का। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण पात्र, ठीक, मखनी बुआ। मखनी बुआ या फुआ जो भी हो, ये बड़ी ये विधवा है व अनाथ है, ठीक, अनाथ। और एक विशेषता कि जो तंबाकू होता है उसकी विशेष शौकीन है, तंबाकू की शौकीन। किसी को अपना घर देखने के लिए कहना है तो वो इनको तंबाकू दे दे, रात भर पीटती खाती रहें और बस वो इनको आराम से बहुत खुश रहेंगी। और कहीं पूछ लिया, गुड़ थोड़ा सा दे दिया तो पूछिए मत, फिर फिदा है एकदम, आपका घर कोई छू नहीं सकता। तो मखनी बुआ इस तरह की पात्र हैं, इसमें विधवा व अनाथ है, तंबाकू की शौकीन है। और एक और पात्र है बहुत लड़ाका पात्र, जंगी की पतोहू, ठीक, जंगी की पतोहू। ये लाल पान की बेगम से भी बहुत जलती है, यानी किससे जलती है, और उससे बिरजू की माँ से। तो जंगी की पतोहू ये एकदम जंगी की नई नई बहू है, ये मतलब गांव की नई बहू कह सकते हैं, और टोला मोहल्लम सबसे लड़ चुकी है, ठीक। तो गांव की नई बहू है वह, ये या झगड़ालू प्रवृत्ति की भी है, ठीक। तो झगड़ालू प्रवृत्ति की है, मतलब प्रवृत्ति क्या है ही, ये सबसे लगभग एक एक बार झगड़ा कर चुकी है, तो ये झगड़ालू भी है। आगे इसमें दो पात्र, अन्य पात्र में और हमें देखना है, जो सुनरी और लरेना की बीबी जो इनके साथ बैठ के जाती हैं मेला, ठीक। तो अन्य पात्र में हम दो पात्र और देखें, एक तो सुनरी, ठीक, सुनरी है, और एक लरेना की बहू, ठीक। तो लरेना की बहू है, तो बहू का मतलब यहां वो, रुकिए कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, यहां पत्नी लिखिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, लरेना की पत्नी और सुनरी, ठीक। क्योंकि हमारे यहां बहू का मतलब, बहुत जगह बहू का मतलब पत्नी भी होता है, यानी बहू स्त्री को बहू बोलते हैं, बहुत जगह पुत्र वधू को बहू बोलते हैं। तो लरेना की पत्नी और सुनरी ये दोनों जो है इसके साथ बैठ के जब वो बैलगाड़ी पे जाती रहती है, जब निकलती है तो सुनरी और लरेना की पत्नी भी आ जाती है, और साथ में
फिर वो आगे कहानी चलती है। अब हम चलिए कहानी की महत्वपूर्ण स्थापनाएं देखते हैं जिनसे संभावनाएं होती है कहानी से प्रश्न उठने की और हमें समझ विकसित होती है। तो हमारे जो लिखाने की शैली उसमें हम कहानी की स्थापनाओं को लिखते हैं। तो आइए हम कहानी की स्थापनाएं देखते हैं। मखनी की बुआ भी बहुत अच्छी पात्र हैं क्योंकि जब ये जाती हैं इनसे पूछने कि इससे मतलब बिरजू की माँ से कि जो है क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, तो जानते हो क्या जवाब देती है, कहती है कि बिरजू की माँ के जो है आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब ना फुआ। तो बस ये बतिया तो आग लग जाती है जो है इनको, फुआ को गुस्सा हो जाती है। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं कहानी की स्थापनाएं क्या है। सबसे पहले एक बात, यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल है। ठीक, यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल है। दूसरी बात हमें यह देखनी है कि यह कहानी बताती कि स्त्रियां भी अपने शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं। यह कहानी बताती है कि स्त्रियां अपने शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं। ठीक, यह बताती है कि स्त्रियां अपने शर्तों पर अपनी जिंदगी, यह कहानी बताती है। ठीक, यह कहानी बताती है कि स्त्रियां अपने शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं और वह सम्मान चाहती हैं। ठीक है, वह सम्मान चाहती, ये सब बात बिरजू की माँ कहती भी है, सम्मान चाहती हैं। ठीक है, एक जगह जानते हैं बिरजू की माँ खुद कहती है कि जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के, मतलब जोरू और जमीन अगर आपके अंदर ताकत है तो जोरू मतलब पत्नी स्त्री आपके रहेगी नियंत्रण में, प्रकार से एक रूढ़ता है, लेकिन मतलब ये पात्र की बात है, पात्र के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि जोरू और जमीन अगर आपके अंदर पावर नहीं है ना, क्षमता नहीं, लोग कब्जा कर लेंगे, उसी तरह स्त्री भी है, आप राजा महाराजाओं को समझे, अगर आपके अंदर पावर नहीं तो लोग उसके लिए हमला कर देते थे और छीन ले जाते थे। तो जोरू और जमीन जोर के नहीं तो किसी और के, ये बात कहती है बिरजू की माँ। आगे हम देखेंगे तीसरे नंबर पे कि इस कहानी में रेणु ने ग्रामीण समाज में ग्रामीण समाज में आत्मीयता का चित्रण किया है। कैसे हम इसको आपको बताते हैं, ग्रामीण समाज में जब ये इनके मखनी बुआ को जवाब दे देती है कि जब बिरजू की माँ के हाथ में मतलब पगहा हो तब ना, तब
ये बात तो बुरा लग जाती, चले जाते हैं, उसके बाद जो जंगी की पतोहू रहती है उससे भी इनकी बिगड़ जाती, थोड़ी सी खटास हो जाती, उन तो उनसे बोलती ही है वो कि ये तो लाल पान की बेगम है। फिर बाद में क्या होता है कि जब ये लोग जाने लगते हैं मेला ना, तो वो मखनी बुआ को बुलाती है कि हमारी पूड़ी बनवा दीजिए मीठी, वो आ जाती हैं तुरंत बनवाती भी हैं। बिरजू की माँ बोलती भी कि आप गुस्सा हो क्या, अभी कथानक में हम आगे पढ़ेंगे या जानेंगे समझेंगे। तो ये मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि ये इस बात को पुष्ट कर रहा हूँ कि तो फिर आती है मखनी बुआ, इतना बुरा लगने के बाद भी इनके पूड़ी बनवाती है, रात भर घर संभालती है, चलते समय जब जाते समय वो जंगी की पतोहू को भी बुला लेती है, क्यों रो रही है, कहीं जंगी की पतोहू वो जंगी आया नहीं है, उनका बेटा जंगी का यानी उसका पति नहीं आया है, तो उसको भी बैठा लेती हैं। ठीक है, लरेना की बीबी भी आ जाती है, सब लोग बैठ के जाते हैं और रास्ते में चांदनी छिटकी हुई है बिल्कुल, तो वो फिर वहीं पे मतलब ये आत्मीयता दिख रही है, देखिए इतना बातचीत झगड़ा लड़ाई एक दूसरे के बारे में होने के बाद फिर सब लोग एक साथ जीवन जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बाद में खुद सोचती है कि ये तो मतलब जो बिरजू की माँ है वो कहती है कि इतनी बुरी भी नहीं है जंगी की बहू, और कौन सा गलत कह रही थी, मैं तो लाल पान की बेगम हूँ, मतलब मेरी ऐसी जीवन शैली मैं तो लाल पान की बेगम हूँ। चलिए आगे देखते हैं कि यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण का मिसाल है। अगला, यह कहानी बताती है कि स्त्रियां अपने शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं, वह सम्मान चाहती हैं। ठीक, वह सम्मान चाहती है। और इस कहानी में रेणु ने ग्रामीण समाज में आत्मीयता का चित्रण किया है। देखो, वह सम्मान चाहती हैं होना चाहिए क्योंकि बहुवचन में चल रहा है सब कुछ। और आगे एक और हम देख लेते हैं कि बिरजू की माँ के अभाव में भी बिरजू की माँ आ जाएगा इसमें। अगला देखते हैं कि बिरजू की माँ अभाव में भी बिरजू की माँ अभाव में ही अभाव में भी स्वाभिमानपूर्ण, ठीक, स्वाभिमानपूर्ण जीने की इच्छा रखती है। ठीक, स्वाभिमानपूर्ण जीने की इच्छा रखती है। तो ये हो गए कुछ, आगे हम और लिखेंगे। ठीक है, इतना ही नहीं है, यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल है। यह कहानी बताती है कि स्त्रियां अपने शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं, वह सम्मान चाहती हैं। इस कहानी में रेणु के ग्रामीण समाज में आत्मीयता का चित्रण किया है। बिरजू की माँ अभाव में भी स्वाभिमान पूर्ण जीने की इच्छा रखती है। आगे हम और स्थापनाएं देखेंगे। अगला है पांचवा नंबर, इस कहानी में रेणु ने रेणु ने ग्रामीण समाज में नाच देखने जैसी स्वाभाविक इच्छाओं को
स्वाभाविक इच्छाओं को नाच देखने जैसी स्वाभाविक इच्छाओं को केंद्रित किया है, केंद्रित किया है, किंतु बैलगाड़ी की व्यवस्था न हो पाने के कारण, किंतु बैलगाड़ी की व्यवस्था ना हो पाने के कारण उसके प्रति खीज भी व्यक्त करवाया है, उसके प्रति खीज भी व्यक्त करवाया है। ठीक है, उसके प्रति खीज भी व्यक्त करवाया है, जिसको रेणु ग्रामीण समाज के संदर्भ में एक व्यंग्य की तरह उभारते हैं, जिसको रेणु ग्रामीण समाज में एक व्यंग की तरह, एक व्यंग की तरह, एक व्यंग की तरह उभारते हैं। ठीक है, एक व्यंग की तरह उभारते हैं। तो ये बात हो गई रेणु की और रेणु के ग्रामीण समाज के प्रति एक दृष्टिकोण की। ठीक है, और हम और देख लेते हैं कहानी ये। ठीक है, ये इसको देखिए कि इस कहानी में रेणु ने ग्रामीण समाज में नाच देखने जैसे स्वाभाविक इच्छाओं को केंद्रित किया है, किंतु बैलगाड़ी की व्यवस्था ना हो पाने के कारण उसके प्रति खीज भी व्यक्त करवाया है, जिसको रेणु ग्रामीण समाज में एक व्यंग की तरह उभारते हैं। ठीक है, और हम दो तीन स्थापनाएं महत्वपूर्ण देख सकते हैं, मतलब इस कहानी की समझ विकसित होने में कुछ बचे ना आपको। चलिए हम आगे देखते हैं, एक और देखें कि लाल पान की बेगम गार हस्त लाल पान की बेगम गार हस्ती, ठीक, गार हस्तित मतलब घर जो गृह होता है उसी से गार हस्तित बना है, मतलब घर में स्थित राग की, गार स्थित राग की कहानी है। ठीक है, की कहानी, गार स्थित राग की कहानी है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, बिरजू की मां लाल पान की बेगम की, बिरजू की माँ लाल पान की बेगम की प्रतीक है। ठीक है, तो जो बिरजू की माँ है वो किसकी प्रतीक है? लाल पान के बेगम की, और लाल पान की बेगम गार हस्तित राग की
कहानी है। और आगे हम बिरजू की माँ लालपान की बेगम, इस तरह से ये महत्वपूर्ण स्थापनाएं थी। अब हम देखने जा रहे हैं कहानी का कथानक। जो ये कथानक है ये मूलतः बिरजू की माँ, भले नाम बिरजू की माँ ही रखा गया, उसे विशेष नाम दिया नहीं गया, कोई चरित्र प्रधान नहीं बनाया गया, लेकिन इसके अंदर चरित्र प्रधान कहानी के गुण हैं। ठीक, जो कथानक है ये, इसमें क्या है कि जो बिरजू की माँ है यही इसका केंद्रीय पात्र है। बिरजू की माँ केंद्रीय पात्र क्यों है? क्योंकि उसी की सारी उपज, उसी की सारी, उसके पास क्या रहता है, कहानी का प्रारंभ है। एक दिन बिरजू का जो पिता रहता है वो कहता है कि हम तुम्हें बलरामपुर का नाच दिखाने ले चलेंगे बैलगाड़ी पर बिठा के। किसी दिन बात रही होगी, दोनों खुश रहे होंगे और खुशी खुशी में बोल दिए। अब बैल तो थे इनके पास लेकिन बैलगाड़ी नहीं थी, तो अब क्या करते, जगह जगह मांगने जा रहे थे कहीं बैलगाड़ी इनको मिल जाए। ठीक है, तो जब ये बैलगाड़ी मांगने जा रहे थे तो ये पहले एक जगह जाते हैं कोयरी टोला, कोयरी टोला वहाँ इनको नहीं मिलती। फिर एक जगह जाते हैं मलदहिया टोला, ठीक, मलदहिया टोला। तो जब ये मलदहिया टोला जाते हैं तो वहाँ इनको गाड़ी मिलती है। अब ये बात कोयरी टोला मलदहिया टोला तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से इनको मलदहिया टोला गाड़ी मिलती है। इसमें फारबिंसगंज का भी उल्लेख है, ये भी आप देख लीजिए, तो फारबिंसगंज का उल्लेख इसमें मिलता है। इस कहानी में बलरामपुर की नाच देखने जा रहे हैं तो बलरामपुर का उल्लेख भी मिल रहा है। ठीक है, अब हम कथानक की तरफ ही आते हैं। तो कहानी का प्रारंभ होता है, किसी दिन कह दिए होते हैं कि आप जो, हम तुमको जो है, बिरजू के पिता कहते हैं बिरजू की माँ से कि हम आपको ले चलेंगे बलरामपुर की नाच दिखाने। बात तो कह दिए, अब दिन आ गया। अब वो क्या था, बिरजू की माँ गांव में मतलब सबको बता दी कि बिरजू के पिता ने कहा है कि हम, बिरजू के बप्पा ने कहा है कि हमें नाच दिखाने बलरामपुर की ले जाएंगे, वहाँ बहुत प्रसिद्ध थी। तो अब समय आ गया ले जाने का, शाम को निकलना है। बिरजू के पिता बैलगाड़ी ढूंढ रहे, पता नहीं कहाँ है, उनका पता ही नहीं है, बैलगाड़ी ढूंढ रहे हैं। पहले कोयरी टोला जाते हैं, वहाँ नहीं मिलती। फिर वो मतलब साथ साथ कहानी में प्रसंग चलता रहता है। चलिए इधर हम पहले बताते हैं आपको, तो उधर उनको गुस्से में पीट चुकी रहती हैं बिरजू को, वो रो रहा है। उधर चंपिया गुड़ लाने गई है, उधर मखनी बुआ आके पूछ रहे क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी, तो वो जवाब देती है कि अरे जब बिरजू की माँ के हाथ में मतलब पगहिया हो तब ना। तो यही बात बुरी लग जाती है। फिर आगे कहानी ऐसे बढ़ती रहती, फिर जंगी की ये बात बुरी तो जंगी की पतोहू से जाके बताती है। फिर जंगी की पतोहू कहती है अरे ये लालपान की बेगम है, वो व्यंग करने में जानते चुल्ला। और ये जंगी की पतोहू ऐसी रहती है जो पूरे मोहल्ले से झगड़ा कर चुकी है एक बार। तो फिर वो, फिर आगे कहानी इस तरह बढ़ती, फिर एक बार जंगी की पतोहू भी जाती उनसे मिलने नहीं जाएगी, क्या हुआ इस तरह से। फिर वो चंपिया को बुलाती है और कहानी फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते चंपिया आ जाती है। तो चंपिया जब आती है तो क्या होता है कि कहानी में वो गुड़ लेके आती है मीठी पूड़ी बनाने के लिए, तो वो कुछ बनाती नहीं है, रख देती है। फिर लेकिन शकरकंदी जो है वो छीलने लगते हैं ये लोग और चंपिया। फिर वो रोते रोते उठता है कि मैं भी शकरकंदी छील दूँ अम्मा, मना कर देती तो ये गटक जाएगा, मतलब ज़्यादा खा जाएगा, जितना छीले खाएगा चार जो है खाएगा, लेकिन फिर वो नहीं देती है। फिर वो देखता रहता है देखता रहता है। फिर ऐसे कहानी जब आगे बढ़ती है फिर उसे चुपके से चंपिया दे देती है, तो भाग जाता है लेके। उधर फिर सूचना आती है कि अभी उसको जो है कोयरी टोला से गाड़ी नहीं मिली। फिर वो मलदहिया टोला जा रहे हैं, कौन, बिरजू के पिता, वो चले जाते हैं।
इधर सब बंद बंद करके गैस रख देती है, मतलब सॉरी गैस आज है चूल्हा, चूल्हा बंद करके रख देती है कि अब कुछ नहीं बनाएंगे, कहीं जाना वाना नहीं है। रात हो जाती है, काफ़ी रात हो जाती है, फिर सब लोग सो जाते हैं लाइट वाइट बंद करके। फिर जब बंद करके सो जाते हैं तो उतने में सब ऐसे बात कर रहे होते हैं, चंपिया और बिरजू और सब। तो बिरजू और चंपिया एक साथ सोए हैं और माँ उसकी अलग सोई हुई है, लेकिन सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो उतने में आवाज़ आती है बैल की, खड़खड़ खड़खड़ की, झुनझुन झुनझुन बैल बज रहा है, खड़खड़ खड़खड़ बैल गाड़ी की आवाज़ आ रही, आते हुए देखते हैं। फिर जब वो आते हैं तो उसे खुश हो जाती अंदर अंदर, अरे देखो बैलगाड़ी आई क्या, आ गए क्या तुम्हारे पापा मतलब पिता। तो देखती है कहीं, अरे मतलब वो जो टटिया होता है उसका शुद्ध होता है टट्टिए, ठीक। तो कहते हैं उसमें छेद करके देखो, देखता है कि हाँ हाँ बैलगाड़ी आ गई है। आता है, कोई कुछ बोलते नहीं, सब छिप जाते हैं, मतलब सब सोने की एक्टिंग करते हैं एक प्रकार से। फिर आते हैं बिरजू के पिता, आवाज़ देते हैं और अंदर अंदर जो है बिरजू, अरे अभी लेट नहीं हुआ कह रहे हैं, कभी विलम्ब नहीं हुआ है अभी का, मतलब हम चल सकते हैं, अभी सभी लोग जा ही रहे हैं। फिर धीरे धीरे खुश हो जाती है, फिर फट से मखनी बुआ को बुलाती है और उसके बाद फटाफट मीठी पूड़ी बनाती, मखनी बुआ से कहती, अरे आप बुरा मान गई क्या, मतलब तुरंत खुश कर देती है। फिर मखनी बुआ को तंबाकू दे देती है, रात भर घर संभालने का दे देती है और उनको तंबाकू देके अपना पूड़ी भी बनवाती है, बढ़िया मीठी पूड़ी, क्योंकि मखनी बुआ पूड़ी बहुत अच्छी बनाती है और ये बिरजू की माँ नहीं बना पाती। तो सब पूड़ी उड़ी बन के तैयार हो जाती है, मखनी बुआ घर संभाल रही है, लोग बैलगाड़ी बैठ के चल देते हैं। अब चल देते हैं तो रास्ते में जंगी की पतोहू के जब घर के सामने से गुजरती है तो वो कहती बिरजू, अरे पूछो पूछो जंगी की पतोहू गई कि नहीं गई। तो घर में जो है थोड़ा बातचीत चल रही, झगड़ा रोना पीटना चल रहा है, क्यों, क्योंकि जंगी की पतोहू रो रही क्योंकि वो जाने को नहीं पा रही है और अभी जंगी का जो पुत्र है वो आया नहीं है। तो पूछता है बिरजू का पिता, अरे क्या हुआ जंगी, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों रो रहे है बहू। तो बताते हैं कि मतलब अभी ऐसी ऐसी बात है, नहीं जाने पा रही है। फिर जब जंगी की पतोहू आती है, मतलब उसको फिर बुलाते हैं, अरे अरे कोई बात नहीं, भेजो बहुत जगह है गाड़ी में। आते हैं फिर जंगी की पतोहू तैयार होकर बैठ जाती है। उधर लरेना की बीबी और एक लड़की रहती है, वो भी आ जाती है, ठीक। तो इसमें एक तो हो गई जंगी की बहू, वो भी गाड़ी में आ गई, ठीक है। और उसके बाद जंगी की बहू बाद लरेना की बीवी यानी लरेना की पत्नी आ जाती है और एक सुनरी रहती है, सुनरी। तो ये इतने लोग और इसमें हाँ एक और दो बिरजू और चंपिया, तो ये भाई बहन भी इस गाड़ी में बैठ जाए। इतने लोगों की सवारी है बैलगाड़ी में, ठीक, इतने लोग बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। अब जा रही है चांदनी, बिल्कुल चमक रही है। तो वो मतलब ऐसे सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वो कहती है मतलब बिरजू की, अरे चंपिया तू तो बाइस्कोप गाती है, सब लोग मिलके गाते हैं, गाओ एक गाना। तो वो फिर गाती है एक बढ़िया, ये लोग फिर गाने लगते हैं। उधर ये सोचती है कि अच्छा, उधर बिरजू भी बहुत उत्साहित, अरे पापा उड़ा दे एकदम गाड़ी को, ऐसे बोलता है। तो बोलता है कि एक मार्मिक स्थल छूट गया मुझसे बताने में, जब जंगी की बहू आती है अपने घर से निकल पर कल बैलगाड़ी पर बैठने, तो ये मार्मिक स्थल ध्यान दीजिएगा आप। तो जब जंगी की बहू निकल कर आती है गाड़ी पर बैठने, तो वो इस तरह से झुके हुए घूंघट में है कि बिरजू के पिता को अपने खेत की बाली याद आ जाती है, ठीक है। ये एक मार्मिक स्थल है कहानी का। अच्छा, और जब वो रात में आता है ना वो बैलगाड़ी लेके, तो वो धान की बाली लेके आता है, जिसको देख के खुश हो जाती है, उसका गुस्सा दूर हो जाता है। अच्छा क्यों, क्योंकि 5 बीघा जो है उनसे, जो वहाँ सेठ थे उनसे 5 बीघा ये ले लेती है, पट्टा था जिसे जबरदस्ती वो लोग लेते हैं, लेकिन ये लैंड ऑफ सर्वे में ले लेती है, यानी चकबंदी में जो सीलिंग हुई थी, सीलिंग एक होता नहीं तक जिसके निश्चित ही खेत रहेगा, जो बो रहा है वो उसका है, बुआई जुताई कर रहा है, तो उस तरह से ये ले लेती है, ठीक है।
लड़ झगड़ के, तो 5 बीघा खेती इसके पास हो जाती है, यानी सबसे ज़्यादा खेती बिरजू की माँ और बिरजू के पिता के पास है। तो ये कहानी का एक मार्मिक स्थल जब मैंने आपको छूट गया था मैंने कहा बता दें। और फिर हाँ उधर जा रहे हैं तो वो अब अंतिम में देखिए निष्कर्ष क्या होता है कि बिरजू की माँ सोच रही है, गाड़ी पे बैठ रहे हैं उधर सब लोग गा रहे हैं, मतलब ये जंगी की बहू और चंपिया, उधर वो सोच रही है कि जंगी की बहू इतनी बुरी तो नहीं है, उसने सही ही तो कहा है, मैं तो लाल पान की बेगम ही हूँ। ठीक है, इस तरह से वो सोचते सोचते गाड़ी चल रही है, धान की बाली के सुगंध आ रही है, धान फूले हुए हैं, तो यही कहानी पे समाप्त हो जाती है लाल पान की बेगम। और एक लाल पान की बेगम दूसरे वहां जो बलरामपुर की नाच चले वहां लाल पान की बेगम से मिलने जा रही, ये भी बात आती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहानी के महत्वपूर्ण संवाद कुछ देख लेते हैं और उसके बाद कहानी को इतिश्री करते हैं। आगे हम देखते हैं कहानी के महत्वपूर्ण संवाद। ठीक, तो हम संवाद देखते हैं, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि क्यों बिरजू की माँ, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? ये कौन कह रहा है? मखनी फुआ। फिलहाल आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख ही लीजिए मखनी फुआ कह रही है, मखनी फुआ। आगे दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है कि बिरजू माँ, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना फुआ। बिरजू की माँ, बिरजू की माँ के आगे नाथ, के आगे नाथ वह पीछे पीछे पगहिया हो, पगहिया हो, पगहिया ना हो, पगहिया ना हो, तब ना, तब ना फुआ। ये कौन कह रही? बिरजू की माँ कह रही है। ठीक, बिरजू की माँ। फिर आगे एक देखते हैं कि चल दीदिया, चल दीदिया, चल, चल दीदिया, चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है। ठीक, ये कौन कह रहा है? जंगी की पतोहू कह रही है, जंगी की बहू या पतोहू। ठीक, आगे क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? मखनी फुआ कह रही है, बिरजू की माँ के आगे नाथ न पीजे पगैया ना हो तब न फुआ। बिरजू की माँ कह रही है,
चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट है, ठीक है। आगे आगे हम देखते हैं, आगे हम अगला देखते हैं कि चौथा, कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, ठीक, कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, ठीक, यहाँ हो जाएगा पूर्ण विराम। आगे, कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू की बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी, कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी, ठीक, कौन सा शौक मौज दिया उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी, इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। तो आगे कि इसके यहाँ कभी, इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी लाकर दी है इसके खसम ने, ठीक, इस तरह से ये पंक्ति है। तो ये बात बिरजू की माँ स्वयं सोच रही है अपने बारे में, ठीक है। और फिर हम आगे देखते हैं कि एक पंक्ति अगले पे देखते हैं क्योंकि इस पे आएगा नहीं। तो ये हो गया, कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी, इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी लाकर दी है इसके खसम ने, ठीक है। तो ये खुद सोच रहे अपने बारे में, जब रात में लेटती है तो बहुत कुछ सोचती है। तो अगला हम देखते हैं कि कितनी प्यारी पतोहू है, कितनी प्यारी पतोहू है, गौने की साड़ी से, गौने की साड़ी से एक अलग या मतलब खास शब्द प्रयोग हुआ है शायद, हाँ खास ही है, खास गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है, ठीक।
कितनी प्यारी बहू पतोहू है, गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है, ठीक ही तो कहा है उसने, ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, बिरजू की माँ, बिरजू की माँ बेगम है, लाल, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी चलती है। आगे एक और हम देखेंगे, ये हो गया ना। ये बहुत मार्मिक स्थल है कि जो मैंने बताया था कि बिरजू के बाप ने, बिरजू के बाप ने बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों दोनों बहुओं को देखकर, दोनों बहुओं को देखकर पतोहुओं को, दोनों पतोहुओं को देखा। ठीक, और पतोहुओं को देखने के बाद क्या हुआ कि उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों को याद आ गई, उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। ठीक है, ये बिरजू के बारे में है, बिरजू के पिता के बारे में। अब हम एक चीज ऐसी देखने जा रहे हैं जो UGC नेट में पूछी जा चुकी है एक बार। क्या? एक मखनी बुआ का उदाहरण है, एक मखनी बुआ का संवाद है कि पैसा क्या हुआ धरती पर, पैसा क्या हो धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। ठीक, ये जब उससे बोलती है कि, इसको जवाब देती है कि मतलब क्या बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, उसके बाद जब जवाब देती है तो गुस्से में बोलती है कि धरती मतलब पैसा क्या हुआ धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। तो ये मखनी बुआ या मखनी फुआ कहती है, और ये UGC नेट में आया है। ठीक है, UGC नेट में पूछा जा चुका है, पैसा क्या हुआ धरती पर पांव ही नहीं पड़ते मखनी फुआ। तो ये रही कहानी के महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण परिदृश्य, महत्वपूर्ण बातें। अब हम मिलते हैं अगली कहानी में रसप्रिया के साथ। ठीक, तो जो मृदंगिया की कहानी है, जो बहुत ही एक ऐसे पंचकौड़ी की जिसका नाम रहता है जो मृदंग बजाता है और जो विद्यापति की पदावलियों को गाता है और जिसमें नृत्य होता है, तो ऐसी कथा वस्तु के साथ हम अगली कहानी में मिल रहे हैं। रसप्रिया जो रेणु जी की ही है और जो ठुमरी में संकलित है, इसी संकलन की एक अगली कहानी लेकर हम मिलते हैं फिर। नमस्कार, अभिनंदन, आभार, धन्यवाद।